हेलो दोस्तों, कोर केमिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज कंटीन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर के बारे में बताने वाला हूँ। सो इट इज़ यूज फॉर द कंटीन्यूअस सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डिफरिंग डेंसिटीज। मतलब कंटीन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर क्या है, एक वेसल, एक अरेंजमेंट आप देख सकते हैं ड्राॅइंग में बना हुआ है ये, और हम इसका यूज़ करते हैं बेसिकली टू इमिसिबल लिक्विड है जिसका डेंसिटी डिफरेंस कंसिडरेबली ज़्यादा है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके उन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो ये डायग्राम मैंने मैकैब स्मिथ बुक से लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द बेसल एंड दिस इज़ द साइड व्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीड हमारा यहाँ से इसमें आता है, वेसल में आता है, देन हैवी लिक्विड ये सेटल हो जा रहा है, नीचे डाउन की तरफ सेटल हो जा रहा है, और लाइट लिक्विड का लेयर ये हो गया आपका। तो ऊपर लाइट लेयर हो गया, नीचे हैवी लेयर हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पॉइंट से आपका हैवी लिक्विड का हमने एग्जिट यहाँ पे दिखा दिया है, ये आ गया नीचे। देन लाइट लिक्विड का हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। तो एज्यूम करिए जो हैवी लिक्विड है उसका जो डेंसिटी है वो है रो ए, और लाइट लिक्विड का डेंसिटी जो होगी है रो भी। तो आप अगर इसमें यहाँ पे देखिए, अगर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हैं तो इसके ऊपर इस लेयर पे एक बैलेंस शीट बनाया यहाँ पे, यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर हाइड्रोस्टैटिक इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बैलेंस करेंगे, ये हाइट अपना ZA2 हो जाएगा और यहाँ पे ZA1+ ZB। तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हैं तो क्या आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे ZB into rho b into g plus ZA1 rho a into g is equal to ZA2 rho a into g। तो हमारा इक्वेशन आता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं किया। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखते हैं तो जो इसके ऊपर ये प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे कोई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर रह सकता है, लेकिन कब रहेगा, जब ये पूरे कंप्लीटली क्या होता है, अगर ये वेसल क्लोज होता तो हो सकता है ये वेपराइज हो जाए, इसका वेपर प्रेशर ही बैक प्रेशर क्रिएट करे, लेकिन हमने यहाँ पे वेंटिंग का प्रोविज़न कर दिया है। जनरली इंडस्ट्री में हर एक वेसल में वेंटिंग का प्रोविज़न होता है, तो यहाँ पे कोई बैक प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए हमने पहले ही निग्लेक्ट कर दिया है, उसको इक्वेशन में यूज़ नहीं किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको इक्वेट करने के बाद इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, जी ग्रेविटेशनल फोर्स को कट कर देते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, फिर उसका हमारा जो फाइनल इक्वेशन आता है ये आ रहा है ZB into rho b plus ZA1 into rho a equal to ZA2 into rho a, वेयर ZA1 इज इंटरफेस हाइट। तो यहाँ पे देख लेते, जो ये इंटरफेस हाइट आ रहा है ये वाला, ये इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ZA1। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब उसको कैलकुलेट करने से पहले हम लोग ZT देखेंगे। ZT क्या है, टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू ZB plus rho ZA1। तो यहाँ पे देखेंगे जो ZT हमारा टोटल हाइट है, टोटल हाइट क्या होगा, जो हैवी लिक्विड का हाइट है प्लस लाइट लिक्विड का जो हाइट है दोनों का सम, तो ZT इज इक्वल टू ZA1 plus ZB। सो दिस इज व्हाट वी गॉट हेयर। तो ZT इज इक्वल टू ZB plus ZA1। फ्रॉम हेयर हम यहाँ से ZB का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ZB इज इक्वल टू ZT माइनस ZA1। अब इस ZB का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है इसको ले जाके हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, ताकि हमें ZA1 की वैल्यू मिल सके, इंटरफेस का हाइट जो है हम निकाल सकते हैं। इसको पुट करने के आप देखेंगे हमारा इक्वेशन ये आएगा, ZT माइनस ZA1 into rho b plus ZA1 into rho इज इक्वल टू ZA2 into rho a। सो फाइनली इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस इक्वेशन, ZA1 = ZA2 - ZT into rho b - rho a/1 - rho b/a। दिस इज द फाइनल फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर गेटिंग द इंटरफेस हाइट। अब ये ZA1 जो वैल्यू आप अगर देखेंगे ना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट एग्जाम। इफ यू सी यहाँ पे आप देखेंगे 2016 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 इसी के ऊपर बेस्ड आया था, इसको मैं पहले बाद में बताता हूँ, बिफोर दैट हम टाइम ऑफ सेपरेशन कैलकुलेट करेंगे।
तो टाइम ऑफ सेपरेशन कैसे निकालेंगे? ये इम्पिरिकल रिलेशन है, प्रैक्टिकली मिला है, तो टाइम ऑफ सेपरेशन हमारा क्या आएगा? टी टी इज इक्वल टू 100 म्यू अपॉन रो ए माइनस रो वी, वेयर योर म्यू शुड बी, म्यू मतलब विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज, दिस शुड बी इन सी पी एंड रो ए एंड रो बी शुड बी इन डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड रिस्पेक्टली, इट शुड बी इन द केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी, एंड टी इज सेपरेशन टाइम, इट शुड बी इन आवर। ओके, सो दिस इज द टाइम विल गेट। नाउ विल सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको रीड कीजिए। अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वेसल हैज़ अ लेयर ऑफ किरोसिन डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब, यू कैन सी हियर, एंड ओवर ए लेयर ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इट हैज शोन इन द डायग्राम। वाटर ये हो गया, वाटर का कितना डेंसिटी हमें दिया हुआ है 1000 एज वी नो, और केरोसिन का 800। अभी यहाँ पे पढ़िए। एल शेप्ड ग्लास ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द कॉलम 30 cm अपार्ट, द इंटरफेस बिटवीन द टू लेयर्स लाइज बिटवीन द टू पॉइंट्स एट विच द एल ट्यूब्स आर कनेक्टेड, द लेवल्स इन सेंटीमीटर टू विच द लिक्विड्स राइज इन द रिस्पेक्टिव ट्यूब्स आर शोन इन द फिगर। तो ये अपना डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। नाउ हमें निकालना क्या है? द डिस्टेंस एक्स इन सेंटीमीटर राउंडेड अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऑफ द इंटरफेस फ्रॉम द पॉइंट एट विच द लोअर एल ट्यूब इज कनेक्टेड। तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली ये चीज निकालना है। आया समझ में आपको ये डायग्राम से? कुछ केरोसिन दे दिया है, वाटर दे दिया, इसका मिक्सचर दे दिया, यहाँ से एक लिक्विड, लिक्विड क्या है? वाटर हैवी है, केरोसिन लाइट है, हैवी लिक्विड को यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ का जो हाइट हमारा दिया है वो कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका जेड ए टू, हैवी लिक्विड कहाँ पे विड्रॉ किया हमने? तो इंटरफेस का जो हमने फार्मूला निकाला था वहाँ पे, इंटरफेस साइड का जेड ए वन का ये वाला इज इक्वल टू क्या था? जेड ए टू माइनस जेड टी इंटू रो बी बाय रो ए अपॉन वन माइनस रो बी बाय रो ए। तो हमें जेड ए टू यहाँ पे मिल गया है, जेड ए वन तो यहाँ हमें दिया ही है, जेड ए वन एक्चुअली निकालना है, हमें जेड टी चाहिए। तो जेड टी टोटल जो बॉटम पोर्शन है वहाँ से दोनों का हाइट, जहाँ से विड्रॉ करने बेसिकली वहाँ पे ये आपका विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। यहाँ से लिक्विड लेवल तक का हाइट जो है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ तक का जेड टी हो जाएगा। तो जेड टी क्या हो गया आपका? 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 आ गया टोटल 50। तो वहाँ पे लिखते हैं, डेंसिटी तो हमें पता ही है। तो जेड ए टू कितना आया हमारा? 42 अपान जेड टी कितना है हमारा? 50 इंटू रो बी बाय रो ए। तो ये 800 बाय 1000 इक्वल टू 8 बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 बाय 10। ये कट गया, 42 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 अपन हेयर ऑल्सो 10 माइनस 8 बाय 10 इक्वल टू 2 बाय 10। सो नेट कितना आ गया? 10। तो दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद? 10 सेंटीमीटर। सो आप याद रखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें गेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या था? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इसको थोड़ा घुमा दिया था। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टी इज इक्वल टू 100 μ/ρ − ρ, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट याद करने का ज़रूरत है। यूनिट आपको याद होना चाहिए कि म्यू आपका सेंटीपॉइस में है, रोए और रोबी कितना है केजी पर मीटर क्यूब में हो, वरना आप गलती कर जाओगे और टाइम मारा आएगा आवर में। दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर।